नमस्कार, मैं मोनिका श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन यानी कि फिश पोज। आइए करते हैं इसका अभ्यास। इसके लिए पहले आपको दोनों पैरों को सामने स्थिर रखते हुए पद्मासन लगाना है। उसके लिए दाहिने पैर को उठा के बाएं पैर पर रखेंगे और बाएं पैर को उठाकर दाहिने पैर पर इस तरह से रखेंगे और फिर धीरे धीरे हमें पीछे की ओर जाना है। अपनी कोहनियों का सहारा लेते हुए हम पीछे की ओर जाएंगे। अगर आपको लगता है आप इतना ही जा सकते हैं तो यहाँ पे भी स्थिर रह सकते हैं, नहीं तो इसमें और नीचे तक जाकर अपनी गर्दन नीचे लगानी है और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ लेना। इस स्थिति में जब आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कमर थोड़ा सा जमीन से उठी रहेगी। इसी स्थिति में आप 15 से 20 सेकंड तक रहें। और धीरे धीरे फिर अपनी कोहनियों का सहारा लेते हुए हम वापस पुनः उसी स्थिति में आएंगे जिस स्थिति में हमने किया था। इसमें खास आपको ध्यान देना है कि जब आप पीछे की तरफ जाते हैं तो आपके घुटने जमीन से उठने नहीं चाहिए। देखिए, अगर हम इसको इस तरह से जाएंगे और घुटनों को यूँ उठा देंगे तो यह गलत हो जाएगा। ये इसकी विशेष सावधानी है। इसमें घुटने उठे नहीं रहने चाहिए, घुटने हमेशा नीचे की ओर रहने चाहिए। इस सावधानी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। पैरों को पुनः जैसे थे उसी स्थिति में रखिए और पैरों को थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए ताकि आपका पैर ठीक हो जाए। इस आसन को करने का सबसे ज़्यादा फायदा होता है हमारे आजकल की लाइफस्टाइल में, जिनको चेयर पे बैठना पड़ता है, कंप्यूटर पे सारा टाइम काम करना पड़ता है, तो उनकी थाइस की मसल्स काम ना होने के कारण एक जगह जॉइंट हो जाती है। तो उन जॉइंट्स को खोलने के लिए, उनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है। इसको करने से जो हमारी आगे की अपर थाइस होती हैं उसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होती है, जिसके कारण वह फ्लेक्सिबल होने लगती है। साथ में साथ हमारी थाइस और थायराइड ग्लैंड के लिए भी यह एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। जो लोगों को थायराइड की परेशानी है उन लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है वह ना करें। हल्के दर्द में हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जिनको ज़्यादा कमर दर्द है वह इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। रोग आपको रखे निरोग। इसी शुभकामनाओं के साथ हम कल मिलेंगे एक नए आसन के साथ। नमस्कार।